हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मनोज प्रिंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वोटर आईडी डाउनलोड कैसे करते हैं। काफी लोगों को समस्या ये आती है कि उनका वोटर आईडी खो गया है या उन्होंने नई वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया है तो उनकी वोटर आईडी बनकर घर पर नहीं आई है। तो वो काफी बार या तो BLO से संपर्क करते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं जहाँ वोटर आईडी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो काफी बार उनको रिप्लाई ये मिलता है कि वोटर आईडी अभी प्रिंटिंग पर गई हुई है, अभी नहीं आई है। तो काफी लोगों को समस्या ये आती है कि उनका वोटर आईडी उनको कहीं पर भी नहीं मिलता है। इस वोटर आईडी के लिए अब हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे भी अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको वोटर आईडी की समस्या का हल यहाँ पर किया जा सके। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नए नए टेक्निकल से संबंधित टॉपिकों पर वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि वोटर आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वोटर आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिससे आपकी वोटर आईडी डाउनलोड की जा सके। पहले आपको गूगल सर्च में डालना है ईपिक डाउनलोड। ईपिक डाउनलोड टाइप करने के बाद उसको सर्च करना है, उसमें पहली साइट आएगी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसको ओपन करना है। उसमें नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें कुछ फीचर्स हैं ईपिक डाउनलोड, सर्च इन इनरोल, वोटर पोर्टल फॉरम, डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल PDF, नो योर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर रखी है तो आपको दोबारा क्रिएट नहीं करनी, अगर आईडी क्रिएट नहीं कर रखी तो आपको सबसे पहले इसमें यूजर तैयार करना है। जैसे मेरा आईडी क्रिएट हुई पड़ी है तो मैं अपना यूजर यहाँ पर डालता हूँ, जो भी आप यूजर बनाते हैं जैसे मोबाइल नंबर, और उसका पासवर्ड आपको इसमें डालना है। पासवर्ड आपको बिल्कुल केयरफुली डालना है, उसमें कैपिटल स्मॉल का याद रखना है। उसके बाद जो भी कैप्चर कोड डाल रखा है BYAXI, और उसके बाद इस कैप्चर को डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इसमें पहला ही ऑप्शन है ईपिक डाउनलोड। ईपिक डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। इसमें ईपिक नंबर जो कि आपके पास होना चाहिए, ईपिक नंबर अगर आपके पास नहीं है तो रेफरेंस नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ईपिक नंबर मेरे पास है तो ईपिक नंबर डालते हैं। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका पिताजी का नाम आपके सामने ओपन हो जाता है, चेक कर लीजिए कि यह सही है। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी जुड़ी हुई है। उसको जब हम स्क्रॉलर को नीचे करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है ईपिक डाउनलोड फैसिलिटी। इसमें आपका OTP आपके मोबाइल पर जाता है। सेंड OTP करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आपकी ईपिक के आईडी में जुड़ा हुआ है, उस पर एक 6 डिजिट का OTP आता है। लेकिन OTP डालने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ईपिक में जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हैं उसी मोबाइल नंबर पर OTP आता है। इसमें एक शर्त भी है कि आपकी ईपिक में नया मोबाइल नंबर आपके साथ जो भी आपके पास सिम है वो इसमें लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर OTP आती है। अगर किसी का काफ़ी टाइम पुराना बना हुआ है जिसमें कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनको कुछ नहीं करना, अपने BLO के पास जाना है या ऑनलाइन फॉरम नंबर 88 उसको भरना है, जिससे जो उनका ईपिक है उसमें उनका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है। जिसमें एग्जांपल दे देता हूँ 123456, यह एक 6 डिजिट का OTP है। इसी प्रकार जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 डिजिट का OTP आपके पास आएगा। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी 2020 नवंबर दिसंबर के बाद जो वोटर आईडी बनी है वो ईपिक डाउनलोड किए जा रहे हैं, जिनके इनसे पहले हैं इसके जस्ट बाद उनकी डेट भी जस्ट आने ही वाली है। तो इसलिए इस फीचर्स को आप जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप वोटर आईडी डाउनलोड करने से रह जाए। जैसे OTP आपको 6 डिजिट का इसमें यहाँ पर केयरफुली डालना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आता है, और वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफिकेशन डन सक्सेसफुली, उसके बाद एक कैप्चर कोड भी दे रखा है, उस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चर कोड में स्मॉल का ध्यान रखना है और डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करना है। डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करने के बाद PDF आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। तो दोस्तों अब आप सीख चुके हो कि वोटर आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं। इस वोटर आईडी का आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं या PVC पर प्रिंट भी करा सकते हैं।
तो दोस्तों अब तो आप सीख ही गए होंगे कि वोटर आईडी डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आपकी वोटर आईडी में आपका मोबाइल नंबर फिट नहीं है तो आपको फॉरम नंबर 8, इसका मतलब 8, फॉरम नंबर 8 आपको भरना है, जिससे आपकी वोटर आईडी में आपका मोबाइल नंबर फिट हो सके, जिससे आप भी वोटर आईडी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वोटर आईडी में ओनली एक ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक मोबाइल नंबर को 10 वोटर आईडियों में लिंक कर रहे हैं, इससे आपका वोटर आईडी डाउनलोड नहीं होगा। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो आपको टीडीएस के लिए आपको अप्लाई करना है कि टीडीएस आपका कितना बन रहा है और टीडीएस को आप रिफंड कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका प्यार दुलार हमारे साथ बना रहे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।